हरे कृष्णा। तो मैं लखीमपुर के जितने भी बच्चों ने भाग लिया था इस श्रीमद् भगवद गीता क्विज कंपटीशन में, उन सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आशा करता हूँ कि जो बच्चों को आज पुरस्कार फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आ पाए, उनके लिए हम लोग रामायण पे क्विज कंपटीशन करा रहे हैं, वो आपका 21 तारीख को है, तो वो सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसमें जो भी टॉप 22 बच्चे होंगे, क्योंकि 22 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन है, श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, तो हम लोग जो भी टॉप 22 बच्चे होंगे उन सभी को फिर से हम लोग पुरस्कार वितरण करेंगे। और जैसा कि बच्चों ने कहा कि ऐसे इवेंट होते रहना चाहिए, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हर महीने या जो भी बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं उन पर आधारित कुछ ना कुछ इवेंट लेके आए, और जो भी इसके विनर्स रहेंगे उनको हम लोग प्रोत्साहित करें। हरे कृष्ण। क्या नाम बेटा आपका? अदिति मिश्रा। आपने गीता क्विज प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, आपको कैसा अनुभव रहा इसका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मुझे पहली बार गीता पढ़ने का भी मौका मिला और मैंने उसमें से बहुत सारी सीखें ली, और मैं चाहती हूँ कि मैं उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगी। किस प्रकार से बताएंगी थोड़ा सा? जैसे कि आज प्रोग्राम में अंकल माता जी ने कहा था कि हमें काम करना चाहिए, मतलब कर्म प्रधान होना चाहिए। फल कौन देगा? फल भगवान देंगे। कोई गीता का श्लोक आपको याद है कोई? अच्छा, वो तो आपको याद होगा, कर्म बनने नहीं मालूम? इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा, संस्कृत नहीं पढ़ी अभी आपने, है? चलिए, और कोई चीज जो आपको लगी हो गीता में बहुत, जिससे आपको प्रेरणा मिल रही हो? अभी तो याद नहीं आ रही है। अच्छा, भगवान कृष्ण कौन है, क्या लगा आपको भगवान कृष्ण क्या है? भगवान कृष्ण दुनिया के क्रिएटर है। तो हम लोग क्या है? हम लोग उनके अंडर हैं। तो हम लोग उनसे अलग हैं कि उनके अंश हैं? उनके अंश ही हैं। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा। गीता जयंती का अवसर जो गीता क्विज की थी, वो आपने पार्टिसिपेट किया था उसमें? जी सर, किया। आपको क्या महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा। आजकल के जो भी हमारे युवा हैं उनको मोटिवेट करने के लिए हम लोगों के रोल मॉडल भगवान श्री कृष्ण ही रहने चाहिए, तो इससे अच्छा हम लोगों को ज्ञान और कहीं नहीं मिलेगा। हम तो ये सोचते हैं कि हमारे नगर में ऐसे और भी कार्यक्रम होते रहने चाहिए, और बहुत अच्छा लगा पार्टिसिपेट करके। जितने भी पार्टिसिपेंट थे उनको भगवान कृष्ण के बारे में और पता चला। गीता का मुख्य उद्देश्य क्या लगा आपको? गीता के कई सारे उद्देश्य हैं जो भगवान हमसे कहना चाहते हैं। मुख्य शिक्षा बताइए क्या? मुख्य शिक्षा तो यही रही कि हमें, जैसे कि एक है उसमें हमारा भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अपना कर्म करते रहें और फल की चिंता ना करें, आपके कर्मानुसार आपको फल मिलेगा। और गीता को हम लोगों के लिए एक, समझ लीजिए, इस तरीके का उद्देश्य है जो हमारी जीवन को बहुत अच्छा बनाने के लिए, और जीवन को अपनी जो है कंप्लीट करने के बाद गौसागर पार करने के लिए, वैकुंठ धाम जाने के लिए बहुत अच्छा साधन है। ये आध्यात्मिक नहीं, बता दूं आपको मैं, ये जो पूरा मैनेजमेंट सिस्टम अपना जीवन को व्यवस्थित करने का, जितने बड़े पुरुष हुए हैं, जितने महापुरुष हैं, वो सब गीता के उपदेश का पालन कर रहे हैं, उससे वो जीवन में बड़ी ऊंचाइयां पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो ये इस जगत के साथ, मतलब इस जगत में भी और मतलब भोपाल भी ले जाएगा, दोनों में। ठीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑल द लखीमपुरियंस एंड द ग्रोन अप चिल्ड्रंस, टुडे वी हैव सेलिब्रेटेड द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी ऑफ भगवद गीता कॉन्टेस्ट, एंड lots of children got first, second, third prizes and different consolation prizes. So they all are very happy. Happy in the sense, in terms of for the pleasure of Lord. So our main goal is Krishna Prem. तो अगर हम एक step forward बढ़ेंगे भगवद गीता contest या इस type के spiritual contest लेके आएंगे आगे, तो बच्चों का कृष्ण के प्रति प्रेम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो इसी क्रम में हम आगे भी प्रयास करते हैं और प्रयास करेंगे आगे कि हम बच्चों के अंदर स्पिरिचुअल वैल्यूज कल्केट करने के लिए डिफरेंट सेशंस भी स्टार्ट करेंगे स्कूल्स में, जिससे कि बच्चों के अंदर स्पिरिचुअल वैल्यूज डेवलप हो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भगवद गीता को इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। हम लोगों ने ये कॉम्पिटिशन इसलिए कराया कि लोगों के बच्चों के अंदर आज यहाँ आजकल के लोगों के अंदर मॉरल वैल्यूज़ जो हैं कम होती जा रही, तो उनकी मॉरल वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए हमने भगवद गीता क्विज कॉम्पिटिशन कराया, जिससे वो लोग भगवद गीता पढ़ें और अपने जीवन में उतारें। क्योंकि भगवद गीता क्या है, लाइफ मैनुअल है। हमारा लाइफ में हमें कैसे करना है, शरीर क्यों मिला है, इसका उपयोग क्या है, ये हम कहाँ से सीखेंगे, भगवद गीता से सीखेंगे। तो हमें धर्म के पथ पर आगे बढ़ने के लिए भगवद गीता हर जगह हमारी सहायता करेगी। इसलिए यहाँ लखीमपुर के 50 से ज़्यादा स्कूलों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, वहाँ के टीचर्स ने भी पार्टिसिपेट किया, उनके पेरेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया। तो उन सभी टीचर्स, पार्टिसिपेंट्स और स्कूल के प्रिंसिपल्स को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो भगवान के मिशन में कुछ ना कुछ सहायता जरूर कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आगे भी वो हमारे ऐसे ही कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते रहें और हमारे मंदिर में भी आते रहें। हरे कृष्णा। आज हमने मंदिर का इस्कान के तौर पे ये कार्यक्रम कराया है, इसमें हमको बहुत सारा सीखने को मिला है। मतलब पहले से ही भगवद गीता को ऊपर कितना तक हमको इतना आइडियोलॉजी हो, फॉलो करना हो, ये सब चीज़ों में क्या फ़ायदा है और आगे ये सब चीज़ हम सीख के आगे कैसा बढ़ना है ज़िंदगी में और कैसा हम स्ट्रांगली रह के हमारा जीवन को अच्छी तरह आगे लेके जाने के लिए ये सीख मिला है। इसके लिए हम इस्कान को हमारी तरफ से कम्प्लीटली थैंक्स बोल रहा था। नमस्कार। इस्कान मंदिर द्वारा कराई जाने वाली प्रतियोगिता है जो कि ज्ञानवर्धक है, इसमें सभी को भाग लेना चाहिए जिससे हमारा आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है। हरे कृष्णा। कृष्णा, आज हमारे इस्कान मंदिर की तरफ से भगवद गीता के क्विज का पुरस्कार दिया गया, सभी को सर्टिफिकेट और कंसोलेशन प्राइजेस, और फर्स्ट प्राइज में हमारे यहाँ से एक स्मार्ट वॉच दी गई है। मैं सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि इस्कान मंदिर के साथ जुड़ें और इस्कान मंदिर के साथ जुड़ने के बाद हम जीवन को कैसे जिए इसके बारे में जानें, और आने वाले समय में जो 21 तारीख को हमारी एक क्विज राम, भगवान राम पर होने जा रही है, उस क्विज में भाग लें और उसमें अपने जो है पार्टिसिपेट करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बात करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं इस्कॉन लखीमपुर खीरी की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस बीती 7 तारीख को, 7 जनवरी को इस्कॉन लखीमपुर की तरफ से लखीमपुर खीरी में पहली बार भगवद गीता पर आधारित एक कॉन्टेस्ट हुआ था, जिसमें 4 वर्गों में हम लोगों ने सभी स्कूलों के बच्चों को डिवाइड किया था और सभी बच्चों ने खूब अच्छे से बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट भी किया था। उन्हीं सब बच्चों का आज 14 तारीख को चूंकि रिजल्ट आना था और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्राइज जो भी थे, तो सभी बच्चों को हम लोगों ने सर्टिफिकेट भी दिए हैं जो भी यहाँ उपस्थित रहे, और जो भी बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए थे उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। चीफ गेस्ट हमारे में आज डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव नगरपालिका अध्यक्ष रही थी। इसी क्रम में आप लोगों को आगे बताना चाहते हैं कि क्योंकि ये जो हम लोगों ने कम्पटीशन कराया था, इसमें हम लोगों ने 200 रुपये एंट्री फीस लेकर के 250 रुपये वाली भगवद गीता भक्तों को फ्री दी थी, वो भी सिर्फ इसलिए कि जिससे बच्चे घर जाकर के उसको पढ़ें और अध्यात्म के बारे में थोड़ा सा जानें। क्योंकि इस्कॉन का मेन मोटो कंपटीशन कराना नहीं है, हमारा मेन मोटो ये है कि कम से कम बच्चे हमारी जो बेसिक आध्यात्मिक चीज़ें हैं उनको समझें और इनको पढ़ें। इसी क्रम में आने वाली 21 तारीख को इस्कॉन लखीमपुर की तरफ से एक कॉन्टेस्ट फिर कराया जा रहा है, जो ऑनलाइन आप घर बैठे सभी भक्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन इसको ज्वाइन करना है, 1 घंटे का वो कंपटीशन आपका चलेगा, उसकी कोई भी शुल्क नहीं है किसी भी प्रकार का। तो आप सभी से हमारा निवेदन यही है कि उस कंपटीशन में जो भी लोग रह गए हैं वो जरूर पार्टिसिपेट करें और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। और इसी क्रम में ये भी कहूँगा कि आप लोगों को जब भी समय मिले, इस्कॉन लखीमपुर होटल इलाइट इनके जस्ट बगल में है, थोड़ा सा समय निकाल के अगर आप एक बार आएंगे तो आप यहाँ आध्यात्म की इतनी चीज़ें पाएंगे कि आने वाले समय में आप बार बार आएंगे और आपको बहुत ही आनंद आएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं अक्षय, मैं इस्कॉन से जुड़ा हूँ। मैंने भी अभी भगवद गीता कुछ कॉम्पिटिशन में भाग लिया, मैं सेकंड आया उसमें, ग्रुप सी में, तो बहुत अच्छा कुछ था, सबको भाग लेना चाहिए था। और लखीमपुर में जितने भी लोग हैं उनसे यही कहूँगा कि अभी राम जी का होने वाला है कुछ, तो उसमें सब लोग भाग लें और बहुत चढ़ के आगे बढ़ के भाग लें सब लोग। तो जैसे मैं सेकंड है वैसे सब लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हैं और सबको प्राइज मिलेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज हमारे साथ में हैं लखीमपुर में भगवद गीता का जो कॉन्टेस्ट हुआ था उसमें प्रथम पुरस्कार पाया है, इनका पूरा नाम है आर्य दिव्य सम्राट। जैसा कि आप नाम से ही जान रहे होंगे इनका जीतना तो निश्चित था ही। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर ये इस प्रतियोगिता में कैसे इन्होंने टॉप किया और इतने अच्छे मार्क्स और फर्स्ट प्राइज कैसे इनको प्राप्त हुआ।
तो सम्राट जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे पहली जानकारी तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो भगवद गीता है इसके बारे में आपको जो एग्ज़ाम हुआ इसमें आपने इतने अच्छे मार्क्स लाए, तो इसके पीछे कैसे क्या प्रक्रिया रही? क्या आप मतलब इस्कॉन से जुड़े हैं इस वजह से आप इतने अच्छे नंबर ला सके, या आप डेली भगवद गीता का पाठ करते हैं, या क्या रीज़न है, ये थोड़ा सा हम लोगों को बताएं। हरे कृष्णा। तो मैं पहला इसका जो अभिवादन है वो अपने स्पिरिचुअल टीचर सुनील मुकुंद प्रभु जी को देना चाहता हूँ, और दूसरे भगवान श्री कृष्ण, और तीसरे मेरे माता पिता। इसके पीछे मेरा पूरा जो वर्णन था वो भगवद गीता का ही है, क्योंकि भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करो और फल की चिंता मत करो, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसमें भगवान ने बताया है कि किस प्रकार अगर हम फल के प्रति भोक्ता हो जाएंगे तो हम कर्म कम करेंगे और फल की ज़्यादा चिंता करेंगे, और यही हमारे जो रिजल्ट है उसको आने से रोकता है। और मैं पहला श्रेय अपने स्पिरिचुअल टीचर सुनील मुकुंद प्रभु जी को देना। ठीक है प्रभु जी, मेन जो मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जैसे भगवद गीता की आपको जो इतनी अच्छी नॉलेज है, तो क्या इस्कॉन आने की वजह से आप इतना बेहतर भगवद गीता को समझ पा रहे हैं, या आप घर पे इसका कोई पर्टिकुलर अध्ययन करते हैं, कोई टाइमिंग आपने फिक्स कर रखी है, या जो और बच्चे आपके एज ग्रुप के आपके साथ में पार्टिसिपेट किए थे तो जैसे उनको भी कुछ एक मैसेज पहुंचना चाहिए कि किस तरीके से वो भगवद गीता को पढ़ें या स्टडी करें, डेली एक श्लोक दो श्लोक या जैसा भी समय मिले, थोड़ा सा उस बारे में। तो हमारे जो स्पिरिचुअल टीचर हैं प्रभुपाद जी, उन्होंने हम सबको बताया है कि भगवद गीता को नियमित अगर हम लोग एक श्लोक पढ़ते हैं भगवद गीता का, तो हमारे 2 साल में पूरी भगवद गीता हो जाएगी। हालांकि मैं 4 माला जप करता हूं प्रतिदिन सुबह उठ करके, और बाकी समय पे जैसे मुझे टाइम मिलता है कभी तो प्रभुपाद की 3 पुस्तकें में विभाजित होते हैं, जिसमें से मैं उनकी अलग अलग पुस्तक भी पढ़ता हूँ, तो मैं नियमित भगवद गीता का पठन भी करता हूँ, और इसी कारणवश मेरे इतने अच्छे अंक आ सके। और मेरी फेवरेट बुक भी भगवद गीता ही है, क्योंकि वो हमारी लाइफ मैनुअल है, एज इट इज़ भगवद गीता एज इट इज़, जैसी की जैसी भगवान ने अर्जुन को सुनाई थी सेम वैसी ही प्रभुपाद ने अपने उसको हाथों से लिखा है। तो मैं तो बोलता हूँ सभी को ये पढ़नी चाहिए, क्योंकि अब आजकल का यूथ है वो कल का भविष्य है। अगर हम अभी अपना जैसे जिस तरफ पेड़ मुड़ेगा उसी तरफ गिरेगा, तो हमारी लचक जिस तरफ होगी हम उसी तरफ परिवर्तित हो जाएंगे। तो हम लोगों को भगवद गीता का पाठ करना चाहिए, और इससे हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो बड़ी सभ्य होगी, बड़ी कुशल पूर्वक। जैसे बिया अच्छा पड़ेगा तो पेड़ अच्छा निकलेगा, और बिया कैक्टस का होगा तो पेड़ भी कैक्टस का निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ में सम्राट प्रभु, जो इन्होंने भगवद गीता कॉम्पिटिशन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जैसा कि उनका बताना है कि जो भी भक्त हैं या जो भी पार्टिसिपेंट थे सभी को भगवद गीता दी गई है, तो आपका यही कहना है कि जो आपको भगवद गीता मिली है इस कंपटीशन में, भले आप लोगों को कोई अच्छे मार्क्स ना मिले हो या आपको कोई गिफ्ट ना मिला हो, लेकिन आप ये मान के चले कि जो सबसे मेन गिफ्ट था वो आपके घर आपके पास एडवांस में पहुंच चुका है, जो आपने जब रजिस्ट्रेशन कराया था उस दौरान आपको दिया गया था, जो है हमारी श्रीमद् भगवद गीता। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डेली बेसिस पर उसके कितने श्लोक, 1 या 2, नहीं डेली हो सकता है, आप अल्टरनेट डेज में करें, वीकली करें, मंथली करें, जैसे भी कर सकें, जितना आप उसको पढ़ेंगे उतना आपकी उसके प्रति नॉलेज बढ़ेगी, उतना ही बेहतर आपका आने वाला भविष्य और आपका रिजल्ट होगा। क्योंकि इस तरीके की आध्यात्मिक प्रतियोगिताएं अभी तो इस्कॉन ने ये पहली पहल की थी, आने वाले समय में आप इस तरीके की प्रतियोगिताएं अपने शहर में हर मंथ में लगभग इस्कॉन का प्रयास है आप देखेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।